what is panache? Panache, the confidence in style. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विशाल कपूर जी का, और उन्होंने मुझे बुलाया. बीइंग हियर टुडे इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई विश वेरी सक्सेस फॉर दिस प्रोग्राम. मैं तो यही कहना चाहूँगा छोटे से शब्दों में, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश, कलाकारी की तलाश में मिला हमें पनाश. चेहरे पर है आत्मविश्वास, चेहरे पर है आत्मविश्वास, विशाल के प्रकाश से जल उठा आकाश. विशाल कपूर जी के प्रकाश से जल उठा आकाश. थैंक्स पनाश, थैंक्स विशाल कपूर, थैंक्स हबीब जी, थैंक यू मेरे मित्र हफीज़ बेग साहब औरंगाबाद से, और सबको शुभकामनाएं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, और जितने भी उनके साथ में उनके जो भी मेंबर्स हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. विजन बाय वीके विशाल कपूर, एब्सोल्युटली एन ऑनर टू बी इन हिज कलेक्शन फॉर द पनाश रनवे एंड लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द प्रेस्टीजियस पनाश इमेज अवार्ड्स 2021. I want to take this opportunity of inviting my dear friend Habib here for allowing me to be a part of this most magnificent show by Vishal Kapoor. It's always about sophistication, absolutely personified. When it's VK, unki collection se lekar, the way he carries on with his shows, it's always that awesomeness jo wo sab logon ko dete hain. At the same time, jo runway pe wo glam laate hain, it's only by the Vishal Kapoor collection. Absolutely an honor for me to be here. Iske alawa pehli baar life mein aisa mauka mila hai jahan par sare queens aane wale hain, and they are here presenting these awards to all the beauty queens over the years. So I think this is one phenomenal event altogether. Thank you very much to all the lovely friends from the media. Thank you, Simran. Yes. Yeah. सी पनाश बेसिकली अवार्ड्स जो है यहाँ पे हम पार एक्सीलेंसी का अवार्ड्स देते हैं. यहाँ पे कोई नंबर वन शो नहीं है, नंबर वन एक्टर नहीं है, हमारे लिए सब बेस्ट होते हैं. इसलिए हमारा जो टैगलाइन होता है इट्स पार एक्सीलेंस, मींस अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसलिए हम उनको अवार्ड से नवाजते हैं. और जो हमारा क्वींस है इसमें भी हमारा नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री नहीं रहती है. क्वींस बेसिकली कोई स्टेट से है, कोई सिटी से है. सो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही यूनिक है हमारे देश के अंदर, कि जहाँ पे हमारी जो क्वींस है जिनको लोग अक्सर भूल जाते हैं साल दो साल के बाद, जैसे कोई मिस महाराष्ट्र हो गई, मिस दिल्ली हो गई, मिस मुंबई हो गई, तो साल दो साल के बाद सब भूल जाते हैं. सो वी एंड एट पनाश वी रिमेंबर दिस क्वींस एंड वी गिव देम अ डिग्नेटरी वॉक. आप देखेंगे कि उनको एक गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, एक डिग्नेटरी वॉक करेंगे, और उसके बाद ये शो आप जैसे देखेंगे इट विल बी वंडरफुल सक्सेस. एंड यस, इसके बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आएंगे एंड हमारे जजेस भी रहेंगे. एंड यस सर, यस. और अभी हमारे जो बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर में मैं आपको मिलाना चाहूँगा जाफर पीरजादा भाई से, जो कि एक सक्सेसफुल बोर्ड मेंबर है सिंस लास्ट थ्री ईयर्स विद पनाश. एंड आई एम माई सेल्फ आई एम हियर एट बोर्ड मेंबर सिंस लास्ट टू ईयर्स. और कुछ पूछना है दोस्तों? जस्ट अ सेकेंड सर, मैं दो मिनट में ऊपर आया. हाँ सर, दो मिनट. यस, सो पनाश के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये जो इमेज अवार्ड्स है, जैसे मैंने कहा इमेज अवार्ड्स हम आदमी की इमेज को बढ़ाने के लिए देते हैं, और हमारे लिए कोई नंबर वन, कोई नंबर टू, कोई नंबर थ्री नहीं, हमारे लिए सब बराबर है. और जिसने उनकी अपनी फील्ड में एक मुकाम हासिल किया हम उनको अवार्ड से यू नो ऑनर देते हैं. अब आगे जाफर भाई करेंगे, बिकॉज मुझे जाना है इस्माइल जी को रिसीव करने. थैंक यू एवरीवन. जी मैं हाँ दिख रहा है ना. जी सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो कोई इवेंट होता ही नहीं है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, और मैं पनाश इमेज अवार्ड में एडवाइज़र कमेटी में हूं, और तीन साल से हम लोग कंटिन्यूस ये शो करते हैं विशाल जी के साथ में. काफ़ी अच्छे लोगों को हम लोग लेकर आते हैं, जो भी एक रिकग्नाइज है जिनका एक नाम है उनको फेलिसेट करते हैं अवार्ड से. ये मरतबा हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने
क्वीन लीग्स रखा है, जिसमें जो क्राउन होल्डर है या सब टाइटल जिन्होंने जीता है ब्यूटी पेजेंट में, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अवार्ड रखा है और उनको भी आज हम लोग यहाँ फेलिसिएट करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से आज ब्यूटी क्वींस यहाँ पे आई है, तो मैं उन सबका भी थैंक्स कर रहा हूँ। जितने भी अवार्ड अभी यहाँ आए हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, अवार्ड का बस ये है कि जो भी रिकग्नाइज पीपल है, यानी जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर जो भी ये काम किए हैं अच्छे, उनका रिकग्नाइज हो, और उसके साथ में पनास जुड़ता है। पनास ये है कि एक फैशन आइकॉन है, फैशन आइकॉन के साथ साथ में पर्सनालिटी भी उसके साथ में हम लोग वो करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अपनी अलग पहचान है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जी थैंक यू, थैंक यू। या आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट विशाल कपूर, जिनको हम प्यार से वीके बोलते हैं। तो द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, बट आई एम सीइंग दैट मैनी मोर पीपल आर गेटिंग एसोसिएटेड, मैनी मोर ब्रांड्स आर गेटिंग एसोसिएटेड। सो ऐसे लगता है कि आई मीन द शो इज़ गेटिंग बिगर एंड बेटर, एंड एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर और स्टाइलिश है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दिस इज़ गोइंग टू एड अप सो मच ऑफ वैल्यू फॉर ऑल दी अवॉर्डीज, एंड दिस अवार्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर देम, एंड दे कैन शोकेस दिस अवार्ड इन टर्म्स ऑफ रियली अचीविंग समथिंग वेरी नाइस, अचीविंग सम ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ। सी लोकमत आज से नहीं, बहुत समय से, 3 decades से महाराष्ट्र में नंबर एक है, और इन टर्म्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया दिस इज़ दी 5th largest मीडिया हाउस ऑफ द कंट्री। सो एक दो इवेंट नहीं होते हैं हमारे, अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 1600 इवेंट होते हैं साल भर में, कोविड के कारण इस साल में नहीं हुए हैं। बट जिस लेवल पे लोकमत ब्रांड्स को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली इन मुंबई बट ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, सो अपने आप में एक बहुत अच्छा बेसिकली सपोर्ट मिलता है पूरे महाराष्ट्र की के लोगों को हर क्षेत्र में, वेदर इट इज़ फार्मर्स के लिए हमारा सरपंच अवार्ड है, जो कहना चाहिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर, जो हम लोग NCPA या डोम में करते हैं, तो जहां 10 से 12,000 पब्लिक होती है। तो इस प्रकार से बहुत अनेक प्लेटफॉर्म है, और मैं ऐसा समझता हूं कि लोकमत की तरह ही बाकी भी पब्लिकेशंस अच्छा काम कर रहे हैं, एंड उससे सारी महाराष्ट्र की जनता को एक बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है, एक अच्छे होप्स मिलते हैं, एंड आई एम श्योर आफ्टर कोविड लाइक एवरीबडी हैज़ गियर्ड अप, and I'm sure like I mean the people will get numerous reasons to smile and have laughter. Thank you so much. Chalo jaldi. हाँ पूछिए। इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पनाश इमेज अवार्ड्स 2021। पनाश का इमेज वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है, और मैं हबीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और विशाल भाई का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं दुआएं हैं कि पनाश इमेज अवार्ड्स खूब ढेर सारी तरक्की करे और बड़े बड़े सुपर स्टारों को अवार्ड दे। सर, अवार्ड कितना मायने रखता है एक कलाकार के लिए? क्या बात है, क्या सवाल है। अवार्ड मायने तो सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि जिस तरह आप 10th का एग्ज़ाम देते हो
तो उसका रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप पास हुए कि फेल हुए। तो अवार्ड मिलने से ये पता चलता है कि भाई हम पास हो गए, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके काम को वो रिस्पेक्ट मिलता है तो आप और मेहनत करते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया अवार्ड। सर इसके अलावा जैद, आवेश, अनम तीनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका कोलैबोरेशन उनके साथ कब होने वाला है, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आप भी उनके साथ में हैं, आपका भी कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट हो उनके साथ। मेरा इन्वॉल्वमेंट तो जब से पैदा हुए तब से है, और इस वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह आवेश, जैद और अनम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना, तो इस काम को तुम इतना बड़ा कर दो कि लोग तुम पर नाज करें। आज जिस तरह आवेश का नाम हुआ है, जैद का भी नाम है, अनम का भी नाम है, तो बच्चे मेरे बहुत है टैलेंटेड, और इंशाल्लाह ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए, आप लोग दुआ कीजिए कि मालिक उनको इससे भी बहुत बड़ी कामयाबी दे, क्योंकि उनका जो असली टैलेंट है ना, वो अभी तक सामने आया नहीं है, है ना। बट सबसे अच्छी बात ये है कि उन लोगों ने अपने बाप का सहारा नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है, वरना उनके लिए बहुत रास्ते ईजी थे, बट उन लोगों ने रास्ते बहुत कठिन चुने, अपनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं बैकग्राउंड में हमेशा रहा, बट मुझे यही अच्छा लग रहा था कि वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था, तो उसका एक मज़ा कुछ और ही होता है जब आप खुद कुछ हासिल करते हो ना, तो मुझे खुशी इस बात की है बस कि मेरे बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, और आप लोग दुआ करें बस, मालिक उन लोगों को और आगे पहुँचाए और उनकी हिफाजत करे। सर बॉलीवुड में बहुत सारी नेपोटिज्म के ऊपर बातें होती है, लेकिन आवेश ने, जैद ने पूरी उस बात को एकदम अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया, उसको लेके कितना प्राउड फील होता है? देखिए, एक बाप के लिए तो सबसे खुशी की बात वही होती है कि उसके बच्चों के नाम से आज मुझे पहचाना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आप उन बच्चों के लिए मुझसे पूछ रहे हो, है ना, तो ये बहुत खुशी की बात है, और दुनिया का हर बाप चाहता होगा कि उसके बच्चों का नाम हो, लोग उस अपने उसके मतलब बाप औलाद के नाम से बाप को पहचाने, तो आई एम वेरी हैप्पी, और इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले का क्या शुक्रिया अदा करूँ। बस यही दुआ करना आप लोग के वो लोग आगे बढ़ते जाए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much for coming here, and I would love to tell you all, this is the third edition of Panache Image Awards. From last 3 years we are doing this initiative to felicitate the each and every awardee, to hype them and to felicitate their journey. We just encourage them by giving this Panache Image Awards. Of course, like we had called many celebrities from Bollywood industry, the pastry industry, the industrialist from all the around the fashion world, and the you can say like who's who. So what was the inspiration to start this kind of award? I mean, 3 years back, 3 years you have successfully recognized this award with Kannada Film Award. Yes. See, basically we are here to felicitate them कि उन्होंने अपनी जो journey, जो success, जो उन्होंने इतने सालों से किया है, उसको हम बढ़ावा देते हुए, उनको मान सम्मान देते हुए ये अवार्ड का हमारा आइडिया था कि इस चीज़ को ऐसे लेकर आए। हबीब, ऑफ कोर्स, ही इज़ वन ऑफ अवर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, एंड ही इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम फर्स्ट एडिशन ऑनवर्ड्स, एंड ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई वुड लाइक टू थैंक हिम। थैंक यू। मैं सब लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुंबई वासियों का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मैं मनीष मान, इंडिया प्लेयर, एशियन मेडलिस्ट। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं जो एक मुंबई में आने के लिए इन्होंने मेरे को एक इनवाइट किया और मेरे को एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो इस फैशन इंडस्ट्री में भी अगर स्पोर्ट्समैनों को एक बुलाना होता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि एक अलग दुनिया है, और यहाँ पर आके भी हमें इतना मान सम्मान मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो बड़ी एक तहे दिल से विशाल कपूर जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ऐसे आप स्पोर्ट्स को भी साथ लेकर चले, क्योंकि स्पोर्ट्स एक अलग दुनिया है तो फैशन भी एक अलग दुनिया है।
तो मैं चाहता हूँ कि इतना लोग इतना मान सम्मान देते तो काफ़ी अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और अवार्डियो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। तो यही ऐसे वो करके चला, पर एक मैं रिक्वेस्ट फिर करता हूँ, मैं लास्ट ईयर भी एक बार बोल के गया था कि ये जो दुनिया है फैशन इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो आप इसमें पॉलिटिशियन को यूज़ ना होने दें, क्योंकि ये ऐसे ही चलती रहे, चमकती रहे। मैं चाहता हूँ कि दुआ करता हूँ कि एक लोगों का एंटरटेनमेंट भी नहीं करता, काफ़ी लोगों को एक बढ़ावा भी देता है, इंजॉय भी होता है, उससे एक रियल लाइफ की स्टोरी भी सामने आती है। बस इतना कह के भी थैंक्स करना चाहूँगा, थैंक्स ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अवार्ड भी दिया जा रहा है दोनों को, फॉर बीइंग अ क्यूट कपल ऑन टीवी। सो वी आर हियर बेसिकली फॉर हबीब एंड वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट। इट फील्स गुड, आई थिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग ईयर ऑफ स्टेइंग इंडोर्स वी आर फाइनली कमिंग आउट फॉर एन इवेंट, सो वी आर रियली एक्साइटेड। दिस इज एक्चुअली आवर फर्स्ट अवार्ड्स फॉर व्हिच वी स्टेप्ड आउट पोस्ट द पेंडेमिक। या करण, आपका जो म्यूजिक वीडियो आया था उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत अप्रिशिएट किया गया उसको, और आगे क्या-क्या लोगों को देखने को मिलेगा? आह सो या आई थिंक वी जस्ट क्रॉस्ड 175 मिलियन यस्टरडे। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बेवफा तेरा मासूम चेहरा को, एंड इसी तरह ग्रो करता रहे। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं इन पाइपलाइन, आई विल बी शूटिंग दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ ऑल्सो फॉर अ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोज, सो लेट्स सी आप लोगों को वो भी पसंद आएगा जरूर। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जी, अब करण क्या करने वाले हैं, मतलब सीरियल की तरफ फिर से जाएंगे या फिर ओटीटी से? सो आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो व्हिच इज फॉर जी पंजाबी, इट्स कॉल्ड मावा ठंडिया छावा। अभी एक हफ्ता ही हुआ है, सो कल ही रेटिंग आई है, सो इट्स बिकम नंबर वन ऑन जी पंजाबी। एंड तो एक वो शो कर रहा हूँ, कुछ वेब के लिए भी कर रहा हूँ, सो सर्टेन थिंग्स इन पाइपलाइन दिस ईयर, सो लुकिंग गुड एंड ब्राइट। सॉरी, सो हमारी स्टाइलिस्ट यशस्वी जो है, तो पहले वो मुझे स्टाइल कर रही थी सिर्फ, फिर शायद इनसे बात हुई तो इनके लिए भी कुछ ला रही थी, और मुझे कुछ और पहनना था लेकिन आई थिंक वो वार्डरोब मैलफंक्शन हो रहा था, तो देन आई एंडेड अप वेयरिंग ऑलमोस्ट द सेम कलर्स, दैट्स व्हाट वी आर वेयरिंग। थैंक यू दिस साइड कम नोबडी गो दिस साइड थैंक यू सो मच ओके सर, थैंक्स सर, हां ओके सर, एक बार